दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। वो दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक कि पहाड़ का सीना ना चीर दिया। जिसने रास्ता रोका था उसे ही काट दिया। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में दशरथ मांझी के माउंटेन मैन बनने का सफर उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े चिद्दी पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी बीवी फागुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। पत्नी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया, लेकिन ये आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा गया। दशरथ मांझी ने बताया था कि गांव वालों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया है। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था। दशरथ मांझी जो बिहार में गया के करीब गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। उन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 सालों के परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयला की खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे अपने घर लौट आए और फागुनी देवी से शादी की। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फागुनी पहाड़ के दरे में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। अगर फागुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती, ये बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वो अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और फिर उन्होंने 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा, 30 फुट चौड़ा गहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू किया। दशरथ मांझी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरे निश्चय को और मजबूत किया। उन्होंने अपने काम को 22 सालों में यानी कि 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने यह काम पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया। उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका यह प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी सहायता भी की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली में पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित मांझी का 73 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। मांझी माउंटेन मैन के रूप में विख्यात हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा। फिल्म प्रभाग ने इन पर एक वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री द मैन हु मूव्ड द माउंटेन का भी 2012 में उत्पादन किया। कुमुद रंजन इस वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक थे। साल 2012 के जुलाई महीने में निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की। अपनी मृत्यु सैया पर मांझी ने अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिया था। 21 अगस्त 2015 को फिल्म को रिलीज किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी की और राधिका आप्टे ने फागुनी देवी की भूमिका निभाई थी। देखिए, पहाड़ था दरार, तो हमारे पिताजी जंगल गया, जंगल से लकड़ी काट के बाल बच्चा को बेच के भरण पोषण करते थे। तो हमारा माई है जो खाना लेके जा रहा था, और पहाड़ दरार है और मटका लेके जा रहा है माथा पर, मटका में पहाड़ में टकरा कर गिर गया। गिरला के बाद में उन लोगों जब बैठ गया, चोट भी लग गया, तो हमारे पिताजी आया जंगल से, तो खाना गिर गया, पानी गिर गया, तो देख करके वो जो अथी हो गया कि अब खाएंगे कुछ ही। तो वही तहे दिन से हमारे पिताजी जीत बांध लिया कि हमारा पत्नी के घड़ा फूटा संसार के कितना फूटेगा। तो वही हमारा 3 बकरी बेच करके, 6 हथौड़ी लग के ला करके और घाट में काम करने लगा।
करते करते 22 साल लगा। बाईस साल में रास्ता बन गया, वो सरकार के यहाँ गया नीतीश कुमार ही, तो नीतीश कुमार सोचा तो पक्की रोड बनवा दिया, वजीरगंज से चनंडी मोड़ तक पक्की रोड, नदी में पुल बना दिया। कितना कष्ट होता था, कैसे लोग उनको तो पागल पागल भी सब कर देता था। लोग जवार के समझा कि एक आदमी से कहीं रास्ता बनाए, ये तो पागल हो गया, जो हमारे दादा है ये है, कोई आदमी के विश्वास नहीं था। कि आने जाने का रास्ता हो गया तब आदमी के विश्वास हुआ कि हाँ अब रास्ता बन जाएगा। पत्नी के प्यार में ही पूरा काम। हाँ क्या बताइए, उसी वजह से जैसे घड़ा फूटा तो उसके ही जिद से ना वो उन लोग पहाड़ के रास्ता बना दिया कि हमारा पत्नी के ये घड़ा फूटा, संसार पब्लिक को कितना तक कठिनाई होगा। तो आज के यूथ को इसी तरह की मोहब्बत करनी चाहिए कि एक कोई मिसाल कायम कर दे, जैसे रास्ता आपके पिताजी ने काट कर बनाया है। आज के युवाओं को क्या सीख लेना चाहिए? आज के युवाओं को सीख यही लेना चाहिए कि आजकल के लोग सिर्फ दिखावे करते हैं जी, ये हैं, इनसे सबक लेना चाहिए कि प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं। बस आजकल के लोग तो हैं कि कुछ पैसों के लिए ऐसा वगैरह वगैरह कुछ भी, बट इन ये हैं थे पत्नी के मर जाने के बावजूद भी पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाए जो कि हॉस्पिटल जल्दी पहुंच सके लोग, यही कहना है।